नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। गंदा है पर धंधा है। दुनिया के सबसे पुराने धंधे ने कब नई दुकान खोल ली, कब नया शोरूम खोल लिया, किसी को पता ही नहीं चला। बड़े पर्दे से होते हुए छोटे पर्दे तक और उसके बाद हर हाथों तक अश्लीलता पहुंच गई। बिजनेसमैन और करोड़ों के मालिक साथ ही शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने भी अपने करोड़ों में कुछ और जीरो जोड़ने के लिए इसी धंधे का सहारा लिया। तो सोचिए ये धंधा कितना बड़ा होगा। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया है फिल्म बनाने के लिए, मगर ये फिल्म जरा हटकर थी। 2800 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के वारिस, आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के मैनेजिंग पार्टनर, रियल एस्टेट, माइनिंग, एंटरटेनमेंट और हॉस्पिटलिटी जैसे बिजनेस। सिर्फ भारत ही नहीं, इंग्लैंड में भी फैला अरबों का कारोबार। बॉलीवुड की खिलाड़ी गर्ल शिल्पा शेट्टी के पति, मगर फिर भी पैसों के लिए इतना गंदा काम। सोमवार की शाम को जब शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया तो उन पर लगे इल्जामों को सुनकर हर कोई हैरान था। कुंद्रा को पुलिस ने पोर्न फिल्मों के प्रोडक्शन और उन्हें ऐप के जरिए पब्लिश करने के इल्जाम में पकड़ा था। लेकिन इस खबर के बाद सबके जहन में बस एक ही सवाल था कि आखिर एक इतना कामयाब बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी और देश के चुनिंदा लोगों में शुमार होने वाले राज कुंद्रा अपने पास इतना सब कुछ होते हुए भी पोर्न फिल्में बनाने और उनके जरिए पैसे कमाने जैसा घटिया और गिरा हुआ काम कैसे कर सकता है। तो पुलिस के पास न सिर्फ इस सवाल का जवाब था, बल्कि पुलिस कुंद्रा पर किए गए कार्रवाई के पीछे अपने पास पुख्ता सबूत होने का दावा भी कर रही थी। पुलिस की माने तो राज कुंद्रा और उनकी कंपनी ऐसी पोर्न फिल्मों के जरिए न सिर्फ मोटी कमाई कर रही थी, बल्कि देश के कानून को गच्चा देने का भी उन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा था। राज कुंद्रा के पोर्न का ये कारोबार कैसे चल रहा था, इसकी एक एक बारीकी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये राज खुला कैसे। दरअसल मुंबई पुलिस ने इस सिलसिले में 4 फरवरी को तब एक केस दर्ज किया था जब एक लड़की ने मालवाणी थाने पहुंचकर इस रैकेट के बारे में शिकायत दी थी। शिकायत करने वाली लड़की ने बताया था कि कैसे कुछ लोग फिल्मों और ओटीटी में काम दिलाने के नाम पर लड़कियों को अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और कैसे अश्लील फिल्में शूट कर मुंबई के कई धंधेबाज मोटी कमाई कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने मलाड वेस्ट इलाके के एक बंगले पर छापेमारी की जहां धड़ाधड़ पोर्न फिल्मों की शूटिंग का सिलसिला चल रहा था। और तब इस छापेमारी में एक बॉलीवुड अभिनेत्री के अलावा कुंद्रा के मैनेजर उमेश कामत, तनवीर हाशमी समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को तभी राज कुंद्रा और उसकी अश्लील कंपनी के बारे में सुराग मिल गए थे, लेकिन पुलिस उन पर हाथ डालने से पहले पुख्ता सबूत जुटा लेना चाहती थी। इसके बाद तफ्तीश आगे बढ़ी और एक एक कर कई चौंकाने वाली जानकारियां पुलिस के हाथ लगी। जल्द ही पुलिस ने पीड़ित लड़कियों के बयान, व्हाट्सएप चैट, ऐप पर मौजूद फिल्में और दूसरे कोरोबोरेटिव एविडेंस के तौर पर राज कुंद्रा के इस अश्लील फिल्मों के कारोबार का पूरा लेखा जोखा जुटा लिया। पुलिस की माने तो राज कुंद्रा और उनके लोगों ने एच अकाउंट के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जिसमें पोर्न फिल्मों के कारोबार को लेकर बातचीत की जाती थी। इस ग्रुप में खुद कुंद्रा, प्रदीप बख्शी, मेघा विहान अकाउंट्स, रॉ डिजिटल मार्केटिंग हॉटशॉट और रॉ इवेंट्स कंटेंट हेड के नाम से कई लोग जुड़े थे। ग्रुप में ये लोग पोर्न फिल्मों के इस कारोबार से होने वाली कमाई, शूटिंग, एडल्ट मॉडल्स को दी जाने वाली पेमेंट समेत तमाम मसलों को लेकर खुलकर बातचीत करते थे। लाइव रेप पोस्ट करना शुरू करो और ये भी कि हमारे रजिस्टर्ड यूजर्स कितने हैं, आर्टिस्ट जिनके फॉलोअर ज्यादा हैं। रोज ये जानकारी लो, खाते साफ रहें, मूवी से होने वाली कमाई घट गई है, हम हफ्ते में एक ही मूवी रिलीज कर रहे हैं। लेकिन ये तो कुंद्रा के कारोबार की एक झलक भर थी। जल्द ही पूनम पांडे, सागरिका, सोना सुमन समेत कई और लड़कियों ने राज कुंद्रा का पूरा कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने खोल कर रख दिया। The only thing I'll add
is that I filed a police complaint in 2019 against Raj Kundra and subsequently registered a case at the Honorable High Court of Bombay against him for fraud and theft. This matter is sub judice, hence I would prefer to limit my statements. Also, I have full faith in our police. एक्चुअली लॉकडाउन में कुछ ऐसी बातें हुई जो मैं शेयर करना चाहती हूँ. लॉकडाउन के दौरान मुझे एक कॉल आया था, अगस्त का टाइम था, कनेक्टेड कॉल था और कॉल पे उमेश कामत जी थे. उन्होंने मुझे एक वेब सीरीज के लिए ऑफर किया जो कि राज कुंद्रा जी उसके ओनर थे, प्रोड्यूसर थे. तो मेरे बार बार पूछने के बाद उन्होंने बताया, मैंने कहा राज कुंद्रा कौन, तो उन्होंने मुझे बताया कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड. तो उन्होंने मुझे कहा कि आप साथ में जुड़ के काम करो, काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको कंटिन्यू काम भी मिलता रहेगा और आप काफ़ी आप हाई अप पे चली जाएंगी. तो मैंने कहा ओके आई एम रेडी. तो उन्होंने फिर ऑडिशन के लिए कहा, तो मैंने कहा अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो ऑडिशन कैसे ले सकते हैं. तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैडम, आप वीडियो कॉल पर मुझे ऑडिशन दे सकते हो. वीडियो कॉल पर जब वो आए तो उन्होंने मुझसे डिमांड किया कि आपका न्यूड ऑडिशन लेना है. तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि ये न्यूड ऑडिशन, तो मैंने इंटरेस्ट मना कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे मैं नहीं कर सकती. पुलिस की माने तो कुंद्रा एंड कंपनी बॉलीवुड में काम पाने के इरादे से मुंबई आने वाली लड़कियों को पहले फिल्मों और ओटीटी में ब्रेक दिलाने के बहाने अपने जाल में फंसाते थे और फिर उन्हें कपड़े उतारने पर मजबूर कर देते थे. इस मामले में पहले ही 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. गिरफ्तार लोगों से जानकारी इकट्ठा करने के बाद और अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन के बाद मुंबई पुलिस का यह कहना है कि उसके पास अब पुख्ता सबूत हैं जो ये बताते हैं कि बिजनेसमैन राज कुंद्रा इस पूरे मामले में एक की कॉन्स्पिरेटर हैं. क्या मोबाइल ऐप जिसका जिक्र हो रहा है उसके कर्ता धर्ता क्या राज कुंद्रा थे? फिलहाल राज कुंद्रा ने तमाम एलिगेशंस को नकार दिया है. तफ्तीश में पता चला कि कुंद्रा ने अपने भाई के साथ मिलकर पोर्न फिल्मों के प्रोडक्शन के लिए एक कंपनी बनाई थी जिसमें उन्होंने करीब 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे. कुंद्रा ने सिर्फ भारतीय कानूनों को गच्चा देने के लिए ही उस कंपनी को ब्रिटेन में रजिस्टर करवाया था. इस कंपनी का नाम रखा था केमरिन. अब केमरिन के लिए अश्लील फिल्में भारत में शूट किए जाते और उन्हें वी ट्रांसफर के जरिए पहले केमरिन को भेजा जाता और फिर केमरिन ही इन फिल्मों को ऐप और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती थी. राज कुंद्रा और केमरिन की कंपनी खरीदती थी और उसको पब्लिश करती थी हॉटशॉट्स नाम के ऐप के जरिए. हालांकि ये कंपनी केमरिन और हॉटशॉट्स लंदन में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका पूरा कंटेंट क्रिएशन ये राज कुंद्रा इनके मुंबई स्थित ऑफिस से किया जाता था. ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था या कुछ शॉट्स लिए जाते थे और इस शॉट्स में थोड़ा सा बोल्ड सीन करना पड़ेगा. वो बोल्ड का ट्रांसलेशन धीरे धीरे सेमी न्यूड और फिर फुल न्यूडिटी के तरफ वो पिक्चराइजेशंस जाते थे जिसमें ये महिला कलाकारों ने अपोज किया था और इन्हीं में से कुछ क्राइम ब्रांच के पास आई थी जिसकी वजह से यह गुनाह दाखिल हुआ था. अब पुलिस ने कुंद्रा को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अभी इस सिलसिले में कई और लोगों को पकड़ा जाना बाकी है. हालांकि राज कुंद्रा ने खुद पर लगे इल्जामों से इनकार किया है और खुद को फंसाए जाने की बात कही है. फरवरी 2021 में दर्ज किया हुआ मामला पोर्नोग्राफिक फिल्म को बनाने और मोबाइल एप्स के जरिए इन्हें डिस्ट्रीब्यूट या पब्लिश करने का है. देश भर से मुंबई आई वो तमाम लड़कियां जो बॉलीवुड फिल्म्स में काम करना चाहती हैं इस गिरोह का टारगेट बनती. बहला फुसला कर और बॉलीवुड फिल्म्स में रोल देने का झूठा वादा देकर इन्हें इस गंदे काम में शामिल कर लिया जाता. हालांकि मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई ने पोर्न फिल्मों को लेकर हमारी कानूनी कमजोरी को भी उजागर कर दिया है. वैसे तो भारत में आधिकारिक तौर पर पोर्न बैन है, यानी तकनीकी तौर पर पोर्न की कई नामी वेबसाइट यहाँ ओपन नहीं की जा सकती, लेकिन मिरर डोमेन यानी यूआरएल में थोड़े बदलाव के साथ कोई भी इन वेबसाइट्स को देख सकता है. उदाहरण के लिए यही किसी पोर्न साइट का डोमेन .com है तो यूजर्स उसे .net पर देख लेते हैं. इस डोमेन पर भी वही कंटेंट होते हैं जो मेन डोमेन यानी .com पर होते हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में
भारत में पोर्न साइट के ट्रैफिक में 95% का इजाफा हुआ था, लेकिन भारत में पोर्न फिल्में बनाने और उन्हें पब्लिश करने के मामले में कानून सख्त है। वैसे भी इस कानून में कई ऐसे ग्रे एरियाज हैं, यानी ऐसे पहलू हैं जो अपने आप में अपराध की गोलमोल व्याख्या करते हैं। अब देखिए ना, देश में कई एप्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म अब भी खुलेआम पोर्न और सॉफ्ट पोर्न परोस रहे हैं, उन्हें शूट भी कर रहे हैं, लेकिन अब की गाज सिर्फ राज कुंद्रा और उनकी अश्लील कंपनी पर ही गिरी है। पूरी दुनिया में पोर्न साइट कितने होंगे? एक पुलिस अफसर ने बताया था कि आसमान में जितने तारे हैं गिन लीजिए, आपको साइट्स का पता चल जाएगा। दूसरी बात ये कि पोर्न इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की GDP जितनी है लगभग पोर्न इंडस्ट्री की उतनी ही की है, 740,000 करोड़ रुपए। आखिर राज कुंद्रा जैसी सेलिब्रिटी पोर्न फिल्मों के कारोबार से क्यों जुड़ गई? तो इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको पोर्न इंडस्ट्री से जुड़ा सिर्फ एक तथ्य जानने की जरूरत है। तो सुनिए, जितना पाकिस्तान का पूरे साल का बजट है, पोर्न इंडस्ट्री साल भर में करीब उतना ही या फिर कहीं उससे भी ज्यादा की कमाई करती है। कहने का मतलब ये कि अश्लील फिल्मों का ये कारोबार इतना बड़ा है कि इसमें रुपए बनाने की संभावना बेहद ज्यादा है, और मुंबई पुलिस की माने तो यही एक बात राज कुंद्रा को भी इस धंधे में खींच लाई। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में पोर्न मार्केट की कुल संपत्ति करीब $100 बिलियन है, यानी लगभग 740,000 करोड़ रुपए। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इस साल पाकिस्तान का कुल बजट करीब 848,000 करोड़ रुपए का है। मतलब ये कह सकते हैं कि जितना पाकिस्तान का कुल बजट है, लगभग उतना ही पोर्न इंडस्ट्री की कमाई है। ये कमाई इतनी है कि उस पैसे से एक दिन में कम से कम 4 अरब 80 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक पूरी दुनिया में 250,000 पोर्न वेबसाइट्स हैं। यह आंकड़ा दुनिया की कुल वेबसाइट्स का करीब 12% है, यानी हर 100 में से 12 वेबसाइट पोर्नोग्राफिक कंटेंट वाली है। इन वेबसाइट्स पर दुनिया में लोग औसतन 10 मिनट 13 सेकंड का वक्त गुजारते हैं, जबकि भारत में ये औसत 8 मिनट 23 सेकंड है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दुनिया में 30% ट्रैफिक पोर्न वेबसाइट्स का ही है, यानी तकरीबन एक तिहाई इंटरनेट ट्रैफिक पोर्न वेबसाइट से गुजरता है। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।